फ्रेंड, वेलकम टू प्रीति रेसिपी ब्लॉग। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि रवा अनियन डोसा कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। और ये डोसा जो है वो बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड, और ये ब्रेकफास्ट रेसिपी में बहुत ज्यादा स्वाद बढ़ा देता है ब्रेकफास्ट में हमारे। तो चलिए मैं आज ब्रेकफास्ट में आज यही बनाने जा रही हूँ, रवा अनियन डोसा, और साथ ही साथ उसके साथ मैं सर्व करूंगी पुदीने की चटनी। तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, रवा अनियन डोसा बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। मैंने लिया है एक कटोरी से कम, मतलब हाफ कटोरी मैंने चावल का पाउडर लिया है। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं। हाफ कटोरी मैंने सेम क्वांटिटी में सूजी लिया है। ये दोनों की क्वांटिटी आपको सेम रखनी है। और मैदा मैंने लिया है हाफ कटोरी से कम, मतलब ये दोनों से कम आपको मैदा लेना है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, अदरक को मैंने क्रश कर लिया है। थोड़ा सा अदरक आपको क्रश कर लेना है, एक चम्मच। हाफ चम्मच मैंने गोटा जीरा लिया है, और एक हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से चॉप्ड कर लिया है। एक बड़ा अनियन मैंने इस तरीके से चॉप करके काटा है पतले पतले में। और साथ ही साथ मैंने नमक लिया है, तो नमक भी आपको स्वाद अनुसार लेना है। तो चलिए फिर इसका बैटर बना लेते हैं। इसका बैटर बनाने के लिए फ्रेंड हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको मिक्स करने हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स करूंगी, और नमक आपको स्वाद अनुसार डालना है। फ्रेंड चिली मिर्च जो है, हरी मिर्च जो है, आप तीखा अपने अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए मैं नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार। अब फ्रेंड इसके साथ ही मैं ग्रीन जो धनिया है, धनिया मैं चॉप्ड कर ली हूँ, और चॉप्ड करने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। धनिया की पत्ती जो होती है वो ज़्यादा टेस्ट लाती है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड एक बात का ध्यान रखना है, आपको पानी एक ग्लास के करीब ऐड करना है इसमें, क्योंकि ये पतला घोल इसका तैयार करना होता है, इसलिए हम पानी इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी पानी और ऐड होगा। तो फ्रेंड देखिए, इसका घोल आपको इस तरीके से बनाना है पतला। तो एक से डेढ़ ग्लास पानी आपको ऐड करना है, और इस तरीके का आपको बैटर बना के रखना है। अब हम इसे तवे पे सेक लेंगे। तो फ्रेंड इस घोल को हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका चिल्ला बनाएंगे, डोसा बनाएंगे। अब हम इसे ढककर छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारा बैटर बनकर तैयार है। इसे बिल्कुल पतला रखना है फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। अब हम तवे को गर्म कर रहे हैं। तवा देखिए मेरा हीट हो चुका है। अब हमें इसमें ये बैटर को छींटना है, ये एक ही बार में नहीं डालना है। तो अपनी मुट्ठी से इसे हमें छींटना है इस तरीके से। इस तरीके से हम बैटर को छींट लें। बिल्कुल इसे पतला बनाना है। अब हम देखिए थोड़ा देर इसे छोड़ देते हैं। इसमें तेल हल्का सा देकर, ऊपर से आप तेल दे दें। अब इसे हम थोड़ा देर पकाएं। तो फ्रेंड आप चाहे तो कलछुल से भी इसे डाल सकते हैं, अगर हाथ से आपको छीटा मारने का दिल नहीं कर रहा है। तो देखिए मैं दूसरा डोसा बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, आप कलछुल से डाल सकते हैं। तो इसको बैटर को अच्छे से मिला लीजिए और इस तरीके से इसे फैला लीजिए। इस तरीके से आपको सारा बैटर फैला लेना है। उसके बाद इसके ऊपर आपको तेल डाल देना है एक चम्मच। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है फ्रेंड। इसे ढककर हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे, ये बहुत ही करारा बनता है। बच्चों को और बड़ों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है। जब आप देखें कि
हमारे घर में कुछ भी नहीं है और भूख बहुत तेज लगी है, तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड, ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है। अब देखिए हम इसे ढक के 2 मिनट तक छोड़ देंगे और उसके बाद आप देखिए डोसा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड देखिए हमारा रवा डोसा बनकर बिल्कुल तैयार है और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है फ्रेंड। तो इसका बैटर आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी पतला रखना है। इसे देखिए इस तरीके से सेकना है, मैंने जो सेका है ये देखिए इस तरीके से आपको दोनों तरफ सेकना है। तो इस बैटर का ही आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और इसे मैंने पुदीने की चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।